हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू शाज़ा की दुनिया। यहाँ पे हम चिकन पकौड़ा बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक चम्मच गोलकी ज़ीरा, एक चम्मच हमने हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया और एक चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। और यहाँ पर मैंने दो चम्मच करीब हमने यहाँ पे दही ऐड किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चिकन पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त बनता है फ्रेंड, और बहुत यमी बनता है। और हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ इसमें ऐड किया है, जो है हरा मसाला। अगर आप चिकन पकौड़ा बनाएं तो इसमें हरा मसाला ज़रूर ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त का बनता है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये एक पेस्ट बना के हमने इसमें ऐड कर दिया मेरे फ्रेंड। और मैंने एक चम्मच इसमें नमक ऐड किया। इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हाथों की हेल्प से आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें मेरे फ्रेंड। और इसे आप 15 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 30 मिनट के लिए भी आप इसे रेस्ट करने छोड़ दें, फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। और कभी भी आप बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है मेरे फ्रेंड। देख सकते हैं हमने इसको 15 मिनट पहले रख दिया था। और इसमें मैंने धनिया पाउडर और सबसे स्पेशल चीज़, इसमें अगर आप एक चम्मच आप बिरयानी मसाला डालें तो बहुत ज़्यादा लाजवाब बनता है चिकन पकौड़ा। और मैंने दो अंडा डाला। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, हमने दो बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। इसे भी हम अच्छी तरीके से अपनी हाथ से हेल्प से मिक्स कर लेंगे मेरे फ्रेंड। इस तरह से आप मिक्स करके अगर आप रखेंगे तो बहुत मज़े का बनता है। और आप ग्रीन चटनी के साथ या कोई भी आप सैलेड के साथ भी आप खा सकते हैं चिकन पकौड़ा। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा यम्मी आपको बना के हम आपको चिकन पकौड़ा बता रहे रेसिपी। तो हमने इसे देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छी तरीके से हमने भी इसे 30 मिनट तक रखा था। फिर हमने इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड करना है और आप एक लेमन ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने बीच भी चला गया था, आप बीच निकाल के कर ले मेरे फ्रेंड, मैं गलती से चला गया था बीच। तो हमने एक बड़ा लेमन इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यमी बनता है फ्रेंड और बहुत इजी। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया है, हमने यहाँ पे 2 कप मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया। इसे हमने हीट कर लिया, इसके बाद हमने इसका फ्लेम लो कर दिया था। और इसे हमने अच्छी तरीके से एक एक पकौड़े इसमें ऐड कर देना। ऐसे हम डीप फ्राई करेंगे और इसे हम डीप फ्राई करके निकाल देंगे हम। आप चाहे तो ये चिकन पकौड़ा में फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इस तरह से डीप फ्राई कर लिया चिकन पकौड़ा को। आप चाहे तो टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल, चाहे आप चाहे तो घर में कोई सा भी पेपर आप उस पे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे और बहुत यमी बना था। तो आप ज़रूर ट्राई करना मेरे फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है चिकन पकौड़ा। बहुत इजी तरीके से हम आपको रेसिपी बता रहे हैं चिकन पकौड़े की। देख सकते हैं फ्रेंड कितना ब्राउन कलर सा आ गया, और हमने इसे डीप फ्राई किया। इसी तरह हम जो भी जितने हमने मैरिनेट करके रखा था वो भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप फ्राई कर लें मेरे फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देख सकते हैं मैंने कुछ सैलेड, कुछ कैरेट, अनियंस, ग्रीन चिल्ली के साथ हमने इसमें ऐड किया और बहुत मज़े का बना था। तो मेरी रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और कमेंट में बताना किस किस को चिकन पकौड़ा पसंद है। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त का बना था फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी। आप कमेंट में आप ज़रूर बताना कैसा बना हमारा चिकन पकौड़ा।